तीन संतान होने के कारण मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी 20 साल की सर्विस से मुझे कोर्ट की शरण में ही जाना पड़ेगा। मैं रहमत बानो मंसूरी, माध्यमिक शिक्षक, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बीजानगरी में पदस्थ हूँ, और मेरी 3 संतान होने के कारण मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। संयुक्त तो संचालक महोदय से मुझे जो लेटर मिला है सर, तो इसमें श्री श्याम सिंह पवार सर हैं, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, पूर्व जिला अध्यक्ष, उन्होंने मेरी शिकायत करी है सर 3 संतान में, और उस लेटर पेड पर श्री प्रेम नारायण पुरोहित, जो कि हाई स्कूल गुराड़िया में पदस्थ हैं, वो लिखते हैं, और मेरे बच्चों की जानकारी मेरी बिना परमिशन से उन्होंने सभी स्कूलों से लेकर के जन्म दिनांक लेकर के मेरी शिकायत करी है, जिसका मुझे कुछ पता भी नहीं था, और मेरे बच्चों की जानकारी जन्म दिनांक निकाल करके उन्होंने शिकायत करी, और शिकायत करके मेरी सेवा समाप्त करने के लिए JD ऑफिस तक उन्होंने शिकायत पत्र दिए हैं, और मुझे पूरी तरीके से परेशान कर दिया गया है। मेरी आज सेवा समाप्त हो गई है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं सर, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, मेडिकल लाइन में हैं, जिनकी फीस भी हाई होती है, और उनको देख करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार आगे कैसे पढ़ेगा। मेरी इस समस्या से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर, और मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी 20 साल की सर्विस है, 20 साल में मैंने अपना अपने विभाग में जो कार्य किया है उसमें मैंने बहुत मेहनत लगन से कार्य किया है। मैंने संकुल प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया है, जहाँ भी मैंने अपना शिक्षण का कार्य किया है उसमें मैंने लगन से पूर्ण मेहनत से किया है, लेकिन श्याम सिंह पवार सर ने मेरे साथ जो विरोध की भावना से, द्वेषता की भावना से किया है, ये कतई सही नहीं है। और प्रेम नारायण पुरोहित सर पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो राइटिंग का कार्य उस लेटर पैड पे कर रहे हैं, और मेरी शिकायत करवा रहे हैं, और शिकायत करवा कर मुझे अपमानित, मेरे मान सम्मान की प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से उन्होंने खराब किया है, और मुझे पूरी तरह से द्वेषतापूर्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे अब विभाग ने तो सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया है, अब मुझे कोर्ट की शरण में ही जाना पड़ेगा, और जहाँ से मुझे न्याय मिल सके।